लक्ष्मी सीरियल को तो आप जानते ही होंगे। तो भाग्य लक्ष्मी सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उनके परिवार द्वारा यानी कि फैमिली द्वारा, ऋषि और लक्ष्मी के। इधर ऋषि के मम्मी और इनके दादाजी बात करते रहते हैं, दादाजी या पिता कह लीजिए वहीं हैं, तो वो बात करते रहते हैं कि तुम अच्छे से सजावट करना, सारा फंक्शन अच्छे से होना चाहिए, एकदम हर चीज़ बेकार नहीं होना चाहिए, सब चीज़ सही से होना चाहिए। ये सारे बात करते रहते हैं कि उसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। उनको सुनाते हैं दो चार बातें उनकी माँ को, फिर वो बोलती हैं कि कुछ भी कमी नहीं होगी मेरी तरफ से, आप निश्चिंत रहिए। उनके जाने के बाद वो बहुत गुस्साती हैं, शायद उनके माँ बाप लक्ष्मी के माँ बाप नहीं रहते हैं, वे ऋषि की माँ रहती हैं, तो जिस वजह से वो गुस्साती हैं, कहती है कि लक्ष्मी मेरे घर में मेरी वैल्यू कम हो गई है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा, तो मैं नहीं चाहती कि इस सगाई में, इस शादी में कोई भी रुकावट आए जिसकी वजह से उसकी शादी का जश्न, माहौल, सारा चीज़ ख़राब हो जाए। मैं ये नहीं कभी चाहती और ये होना भी नहीं चाहिए। तो जो भी ऋषि और वो मिल के जुगाड़ कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके जाने से मेरी वैल्यू सबको समझ में आएगी। अभी उसके रहने तक किसी को मेरी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, इतना करने के बाद ही वो मेरे राह की रोड़ा बन गई है, पता नहीं कहाँ से आ गई है। फिर इधर इनकी इनकी जो लक्ष्मी की बहन रहती हैं उनकी मासी बात करती हैं, ये मासी हैं, देखिए खड़ौस मासी हैं जो कि बात करती हैं, इनकी ये बेटी है, अपनी बेटी, उनको बहुत प्यार करती है और बाकी अपने बहन की बेटी को प्यार नहीं देती हैं। तो बात करती हैं कि उनकी बेटी बात करती है उनसे यानी कि लक्ष्मी की मासी से कि माँ मेरी शादी करवा दो, मतलब ये सारी बातें होती, कितना अच्छा रहेगा ना, उस घर में जाएंगे अच्छा रहेगा, सब चीज़ अच्छा रहेगा। इधर ये देखिए ये विक्रांत और ऋषि की गाड़ी आपस में टकराती है, दोनों निकलते हैं, दोनों एक दूसरे को पहले देखते हैं गाड़ी से ही एकदम जलन की भावना से, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है वो सत्य है एकदम। तो इधर ऋषि निकलते हैं गाड़ी से दरवाज़ा खोल के और इधर विक्रांत भी, दोनों में टक्कर होती है और बोलते हैं, विक्रांत बोलते हैं तुम क्या करना चाहते हो, तुम जो भी करना चाहते हो ना, मेरी शादी के बाद तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे क्योंकि लक्ष्मी मेरी हो जाएगी और फिर मैं जो चाहूँ वो करूँगा। उसके बाद ये ऋषि बोलते हैं मैं होने दूँगा तब ना, तुम्हारी सगाई हो जाए, देखता हूँ कैसे होता है। फिर वो कॉलर पकड़ लेते हैं विक्रांत, फिर ऋषि भी पकड़ लेते हैं उनका कॉलर, फिर उन लोगों में सब हाथापाई होता रहता है। तब तक वो बोलते हैं ऋषि कि तू क्या समझता है अपने आप को, एक क्या बोलते हैं धोखेबाज इंसान है तू, जो लक्ष्मी को धोखा दे रहा है, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा, तो तुम सोचना मत कि लक्ष्मी जैसी लड़की को तुम धोखा दे पाओगे अभी मेरे रहते हुए, ऋषि के रहते हुए। तो वो बोलता है तुम क्या उखाड़ लोगे बे, मेरा तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि लक्ष्मी की शादी हो जाएगी, उसके बाद तो तुम वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि लक्ष्मी अब मेरी पत्नी रहेगी और तुमको ही पता है, उसको तुम सब लोगों को पता है सिवाय उसके, तो तुम कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे क्योंकि वो मेरे ऊपर विश्वास कर रही है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो तुम सगाई सगाई की तो बात ही छोड़ो तुम तोड़वाने की। ऋषि पर ऋषि बोलते चैलेंज लो, ये देखिए बोल रहे हैं चैलेंज लो, मैं तुमको कैसे सगाई होने देता हूँ तुम भी देख, मेरे रहते लक्ष्मी की सगाई नहीं हो सकती, ये जो अंगूठी देख रहे हो ना जो तुम पहनाने जा रहे हो, तुम इसको छीनना मत अभी, और दूसरी बात तुम छीन भी नहीं पाओगे। और ये सारी बातें होती रहती हैं कि लक्ष्मी को तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अंगूठी जो समझ रहे हो ना सगाई का, वो कुछ नहीं होता है मेरे मायने में तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान के लिए। तो इस इधर बात करते हुए ये सब वो लोग गाड़ी से चले जाते हैं। इधर ये देखिए इनकी बहन है लक्ष्मी की, बोली कि क्या नाम है इनका कुछ, तो ये बोलती रहती हैं कि ये रोती रहती है सोच सोच के अपनी दी के बारे में। इधर इनके ऋषि के भाई हैं और इनका लव ट्रायंगल चलता रहता है उनकी लक्ष्मी की बहन और इनका, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ठीक है, रोमांटिक होती है थोड़ी सी। इधर है कि इसके बिना अच्छा भी नहीं लग रहा, नहीं लगता है शो, तो ये एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए।
ये चीज़ है, ये देखिए, ये लोग सोचते रहते हैं इधर। कौन? ऋषि के जो भाई हैं वो, तो इधर सोचते रहते, फिर बोलते हैं कि पता नहीं, देखो क्या होता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, इधर देखिए सारे लोग सोच रहे हैं, दोनों बहनें हैं इनकी, ये बीच की हैं और ये छोटी वाली बहन है लक्ष्मी की, और ये इनके देवर हैं, जैसा कि माँ के समान मानते हैं। फिर बोलते हैं, ये बोलती है कि दी चलो ना घर, हम लोग कुछ खा पी लें। और ये सोचती रहती है अपने दी के बारे में, कैसे हम लोग समझाएं, हम लोग की तो बात ही नहीं समझ रही है। इधर ऋषि कमरे में जाते तो देखते हैं अंगूठी गिरा है, वो अंगूठी को उठाते हैं और फिर बोलते हैं, ये जो अंगूठी देख रही हो ना, ये तुमको नहीं मिलेगा। तो फिर बोलते, तुम क्या बोल रहे हो ऋषि, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? फिर वो बोलती है, तुम मेरे ये सब मत करो। तो फिर बोलते, मत करो का मतलब क्या हुआ? धोखेबाज इंसान से तुम्हारी शादी होगी, मेरे रहते हुए ये सब तो हो ही नहीं सकता, तो तुम देखो मैं क्या कर रहा हूँ आगे। उसके बाद कहते हैं कि मैं इसी खिड़की से इस अंगूठी को फेंकने वाला हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, देखती रहो आगे। वो खिड़की के पास जाते, बोलते तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वो मेरे होने वाले पति की अंगूठी है और वो नहीं, वो पहली निशानी होती है, यदि वो नहीं रही तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये बोलते, दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी इसके लिए? कोई दिक्कत नहीं होगी, ये है तो पहले इसको अंगूठी को फेंकूंगा खिड़की के बाहर, उसके बाद तुम्हारे होने वाले पति को फेंकूंगा, ऐसे है जिस तरह से अंगूठी को फेंकूंगा, तुम देखती जाते हो। तुम ये सब क्या बकबक कर रहे हो ऋषि? फिर दोनों में हाथापाई होती है, हाथापाई मतलब क्या कहेंगे, अंगूठी छीनने के लिए दोनों एक दूसरे के हाथ से छोड़ते हैं, छीनते हैं। तब तक छीनते छीनते ये लोग ऐसे इनका हो जाता है, फिर मतलब छिनते छिनते ये गिर जाते हैं। फिर इधर ये बात करती है ऋषि की मम्मी, इधर ये जो है, और दोनों ही काफ़ी खतरनाक डेंजर लगती हैं, दुष्ट टाइप की जो लक्ष्मी के पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के। इधर ये लोग ये सब करते रहते, तब तक बोलती हैं कि तब तक ये लोग आते हैं बात करते हुए, और ये देखिए अंगूठी वो ले लेती हैं उनके हाथ से लक्ष्मी। ये बात करते रहते हैं तब तक ये आती हैं उनकी मम्मी, तो बोलते हैं कि लक्ष्मी तुम ये सब कर रही हो ना, ये सब अच्छा नहीं है, ये सब क्या है, तुम यहाँ पे कहाँ से हो ऋषि? तो ऋषि कहते हैं, माँ मैं कहाँ से हूँ, पता नहीं कहाँ से हूँ लक्ष्मी, ये सब बातें करते तब तक निकल जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैं जानबूझ के एन मोमेंट पे आ जाता हूँ और लक्ष्मी को डांट के ला देता है, आई एम सॉरी मन में बोलते हैं, फिर वो चले जाते हैं। फिर ये देखिए ये बात करती है कि तुम तो संस्कार की से वाकिफ हो ना लक्ष्मी, तो तुमको तो संस्कार आना चाहिए कम से कम, ये शादी जो तोड़ने की साजिशें चल रही है सगाई, उससे यदि मेरे ऊपर नहीं तुम ऐसा सोचोगी कि मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है, ऐसा सोचोगे कि मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ भी करने से, तो तुम्हारे जो माँ बाप हैं उनके ऊपर तो सब फ़र्क पड़ेगा ना, उनको तो तुम गाली दोगी, उनसे तो तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी, उनके नज़र में गिरोगी तुम, तो उनके नज़र में गिरना मतलब मेरे नज़र में गिरना, तो तुम आगे सोच लेना कि सगाई तोड़वाने की साजिश रचोगी या क्या करोगी, ये तुम्हारा है। फिर लोग देखते हुए चले जाते हैं। फिर ये सोचती रहती हैं लक्ष्मी की, ये इतनी बड़ी बात बोल के चली गई है, उसके बारे में सोचती रहती है। इधर देखिए विक्रांत की गर्लफ्रेंड है जो कि काफ़ी मौज रहती है, विक्रांत के साथ भी दे रही है उनके सगाई में, बोलती हैं कि हम गर्लफ्रेंड नहीं हैं वगैरह वगैरह, ये सब बातें सोचती रहती है जो पिछले बीत चुकी हैं बातें लक्ष्मी के ऋषि के पिताजी जो बोलते हैं। ये देखिए सगाई में, सगाई का माहौल था तब, ये सारा चीज़ संभाली हुई थी, मैनेज की हुई थी विक्रांत के प्रति। विक्रांत आते हैं बोलते हैं, हाँ डार्लिंग बोलो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। फिर वो गुस्साए रहते, फिर बोलती हैं हाँ ठीक है सब। फिर ये सोचती रहती हैं क्या, ऋषि बाहर खिड़की की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए लक्ष्मी की सगाई तो नहीं होने दूंगा, कोई कीमत पे नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसकी सगाई धोखेबाज इंसान के साथ वो खुश रह ही नहीं सकती है, तो जब खुश ही नहीं रह सकती है तो क्यों उसके साथ सगाई हो। तो आज का एंटरटेनमेंट का तड़का यहीं पर समाप्त होता है, कल के एपिसोड के लिए, कल के शो के लिए, कल के एंटरटेनमेंट के लिए, धमाके के लिए, टर्न और ट्विस्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।